कौन बनेगा करोड़पति में पटना वाले खान सर से ऐसा क्या सवाल पूछा कि वो भी हैरान रह गए और उन्होंने कितने रुपए जीते, चलिए जानते हैं वे हैरान करने वाले सवाल। खान सर और जाकिर हुसैन जी से यह सवाल पूछा गया कि वेटिकन सिटी किस देश के अंतर स्थित है। ऑप्शंस यह दिए गए, इटली, फ्रांस, यूनान, तुर्की। अब आपका जवाब क्या होगा हमें कमेंट करिएगा, और खान सर ने क्या जवाब दिया है चलिए हम बताते हैं। खान सर ने इसका जवाब दिया था इटली। इसके बाद जो सवाल पूछा गया था वह पूछा गया कि क्रिकेट में 100 रन बनाने को क्या कहते हैं। ऑप्शंस इस प्रकार दिए गए, डक, पगवाड़ा, शतक, गोल्डन डक। तो उन्होंने जवाब दिया था इसका शतक। इसके बाद जो सवाल पूछा गया केबीसी में वह पूछा गया कि चंगेज खान ने इनमें से किस क्षेत्र में जनजातियों को एकजुट किया था। ऑप्शंस दिए गए थे मंगोलिया, स्कैडे, निविया और अरेबिया और सहारा। तो इसमें उन्होंने सही जवाब दिया था मंगोलिया को। इसके बाद खान सर जी से सवाल पूछा गया कि इनमें से कौन सा जानवर मुख्यतः शाकाहारी है। फिर उनके पास ऑप्शंस आए तेंदुआ, सील, अजगर, बांग, पांडा, और उन्होंने जवाब तुरंत दिया पांडा। इसके बाद खान सर जी से केबीसी में पूछा गया कि सुमित्रा नंदन पंत को किस भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शंस दिए गए थे हिंदी, ब्रजभाषा, मैथिली, उर्दू, और खान सर जी ने पलक झपकते ही जवाब दे दिया था हिंदी। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया था कि नवरत्न रहीम दास के पिता कौन थे। ऑप्शंस दिए गए थे महाबत खान, चगताई खान, बैरम खान और शाहरुख खान। इसके बाद उन्होंने तुरंत ही जवाब दिया था बैरम खान। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया था कि जापान की मुद्रा क्या है, पौंड, रूबल, डॉलर, येन। तो उन्होंने जवाब दिया था जापान की मुद्रा येन है। खान सर से कुछ रोचक और गहरे सवाल पूछे गए थे जो कि बहुत कठिन सवाल थे। सवालों में से ऐसा ही सवाल मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, वो सवाल सुनिए। किस भारतीय हास्य कलाकार ने प्रतिष्ठित प्रदर्शन कला उत्सव एडवर्ग फ्रिंज में सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक का पुरस्कार जीता था। ऑप्शंस दिए गए थे समय रैना, बी उरुज असफाक, गौरव कपूर और राधिका वाज। तो बताइए कि जवाब आपके अनुसार क्या सही हो जाएगा, जल्दी से जवाब हमें बताइएगा। फिर मैं बताता हूँ इसका जवाब जो दिया गया था कौन बनेगा करोड़पति में, वो दिया था जाकिर खान जी ने, और सही जवाब उन्होंने दिया था, इसका जो सही जवाब दिया था उन्होंने वह दिया था अरोज असफाक। इसके बाद सवाल पूछा गया था खान सर जी और जाकिर हुसैन जी से। इसके बाद जो कौन बनेगा करोड़पति में सवाल पूछा गया था वह पूछा गया था, कहा जाता है कि मिर्जा गालिब ने किस शायर के एक शेर के बदले में अपना पूरा दीवान पेश कर दिया था। ऑप्शंस यह दिए थे बहादुर शाह जफर, मीर तकी मीर, मोमिन खान मोमिन और अमीर मोइनाई, अमीर मीनाई। इसके बाद जो उनके सवालों के जो आंसर थे उन्होंने बहुत ध्यानपूर्वक पढ़े और खान सर जी ने इसका सही जवाब दिया था मोमिन खान। इसके बाद कौन बनेगा करोड़पति में जो सवाल पूछा गया था वह पूछा गया था कि मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने वाली एकमात्र महिला कौन है। ऑप्शंस दिए गए थे श्रीमती सुषमा स्वराज, सुश्री नजमा हेपतुल्ला, श्रीमती मीरा कुमारी और श्रीमती सुश्री उमा भारती। ऑप्शंस दिए गए थे इस प्रकार ही। तो आपका जवाब क्या होगा कमेंट करिए। इसके बाद मैं बताता हूँ इसका जो सही जवाब खान सर जी ने दिया था वह दिया था सुश्री उमा भारती। इसके बाद जो सवाल पूछा गया था वह पूछा गया था, यदि यह लंदन के लिए टेमन और पेटिज के लिए सीन है तो दिल्ली के लिए इनमें से क्या होगा। कुछ तस्वीरें दिखाई गई थी जिसमें से उनसे जवाब पूछा गया था, तो उन्होंने इसका जवाब यमुना बता दिया था। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया था कि परमाण में अवशोषित कण का क्या नाम है। ऑप्शंस दिए गए थे ऑप्शन ए बोटान, ऑप्शन बी प्रोटॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन। अब इस सवाल का जवाब जो खान सर जी ने दिया था वह दिया था इलेक्ट्रॉन। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि इनमें से किस पेशे में मुख्य रूप से सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शामिल है। ऑप्शंस इस प्रकार हैं, प्रभावशाली, ड्राइवर, माली, वकील। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो दिया था प्रभावशाली। इसके बाद उनसे सवाल पूछा गया कि इनमें से एकेलिक और तेल किस प्रकार के हैं। उन्होंने जो जवाब दिया था, ऑप्शंस पहले जान लीजिए, ऑप्शन इस प्रकार हैं, सॉस, पैंट्स, कपड़े, फ्रॉन। तो उन्होंने जो जवाब दिया था वह जवाब दिया था पैंट्स। तो इसी प्रकार के कुछ कठिन सवाल थे जो खान सर जी से पूछे गए थे। खान सर से जो सबसे कठिन सवाल पूछा गया था जो 12 लाख रुपए
जो जीते गए हैं, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि तेलुगु पुस्तक रायवाचकमु का विषय इनमें से किस साम्राज्य का राजा है। ऑप्शंस दिए गए थे कि विजयनगर साम्राज्य, बहमनी संतलन और पांड्या और राष्ट्रकूट। तो इनमें से जो सही जवाब दिया था वह दिया था खान सर जी ने विजयनगर का। इसके बाद उन्होंने 12 लाख रुपए की धनराशि जीत ली थी। क्या आप भी कौन बनेगा करोड़पति में जाना चाहते हैं? यदि आप जाना चाहते हैं तो आपको भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी।